देखिए कथा के संबंध में, क्योंकि बड़ा आयोजन है और काफ़ी भीड़ संभावित है, उसको देखते हुए आयोजकों के साथ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की जानी है, सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। और क्योंकि बृहद आयोजन है और काफ़ी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है और लोगों का आने का यहाँ है, तो उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएँ अच्छी है। और अभी मेरे द्वारा, एसपी साहब द्वारा इसका एक बार विस्तृत राउंड ले लिया गया, सेफ्टी सिक्योरिटी प्लस लोगों के, जो इतनी लोग आएंगे कई जगहों से, उनकी व्यवस्थाएँ अच्छी रहे उसको ध्यान में रखते हुए सारी जो हमें लगी कोई बात वो हमने आयोजकों को भी बता दी। और इस पर हमारी भी जो सारे संबंधित विभाग है वो इसको लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं, और होपफुली 6 तारीख से जब ये शुरू होगा उससे पहले बहुत अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था है। लगभग कितनी संख्या आने की है सर? जो आयोजकों ने बताया है उसके हिसाब से लगभग 40 से 50 हज़ार उनका। सर एक छोटा सा इसमें सवाल ये है कि ऐसे आयोजन के अंदर जेब कतरे और जो ये होते हैं बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, उसके लिए आप लोगों द्वारा क्या व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है और क्या आप लोगों द्वारा क्या किया जा रहा है? ये कैमरा जो है भारी संख्या में रहेगा और कैमरे से निगरानी रहेगी, और सादा वस्त्र में भी हमारे वॉचर्स जो होते हैं स्पॉटर्स वो लगाए जाएंगे और पूरी तरह से पुलिस में सतर्क। ठीक है, थैंक यू। बिलवाड़ा धर्मनगरी अद्भुत कथा का यह विशेष आयोजन होने जा रहा है, इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। तो उसमें वीआईपी हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पधारेंगे, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी पधारेंगे, हमारे प्रेमचंद जी पधारेंगे, हमारे पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाब जी कटारिया साहब पधारेंगे, और हमने आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री साहबों को भी निवेदन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आएंगे, और हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से हमें परमिशन मिल चुकी है, और केंद्रीय मंत्री उनसे भी संपर्क हुआ है, और हमारे भागीरथ जी चौधरी इनकी परमिशन आ चुकी है, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री भी सब ज़्यादातर पधारेंगे यहाँ पे, और हमारे मेरे साथी सभी विधायक साथी भी विधायक सब पधारेंगे, और राजस्थान में सभी विधायक साथी और हमारे अधिकारी आईएएस और आईपीएस अधिकारी को मैंने निमंत्रण दिया है, तो ज़्यादा संख्या में सभी यहाँ पे भगवान हनुमत कथा का लाभ लेने के लिए पधारेंगे। सत्तू बालक है हमारा, ये बाबू से दर्शन करके आया था, फिर टेकरी पे आए पैदल पैदल, तो वह रोने लगा कि गुरुदेव भीलवाड़ा में कैसे आप ही है कि जो बागेश्वर की कथा करा सके। तो मैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, हनुमान जी की कृपा होगी तो अपन करा लेंगे। तो उसी दिन से मेरे मन में संकल्प आ गया कि अपन बागेश्वर की कथा कराएंगे। तो 5 बार प्रयत्न करा, एक बार बागेश्वर गए, फिर एक बार टीकमगढ़ गए, मंदसौर गए, तो 5 बार करने कथा फाइनल हुई। और कथा फाइनल होने के बाद हम अध्यक्ष साहब गोपाल खंडेलवाल साहब प्रकाश जी भाई साहब से कहा, तो कहने लगे गुरु जी आप तो कराओ, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और अभी जो सनातन के लिए महाराज जी काम कर रहे हैं इसमें मेरी भी बहुत रुचि है, इसलिए मैं इसमें पूरा सहयोग करूंगा आपका, बिल्कुल आप कथा कराइए। आशीष जी हैं भाई साहब के खास हैं, चितमन जी हैं हमारे, दरक साहब हैं, कचौलिया साहब हैं, नौलका जी हमारे, और मैं तो नौलका जी बहुत हमारे मंदिर से जुड़ी है भगत है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। देखो ऐसा है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, बागेश्वर महाराज की कथा है, अभी वहाँ बिहार में हुई थी, 10 लाख पहुँच गए थे, 10 लाख पहुँच गए थे लोग, लेकिन हम तो 1-2 लाख का, 50,000 से 1 लाख तक अनुमान लगा रहे हैं प्रतिदिन का। दिनांक 6 से 10 नवंबर तक 5 दिवसीय जो अनुमान कथा होने जा रही है, उसके अंदर हमारे महाराष्ट्री के द्वारा करवाई जा रही है, और समिति एवं मंदिर की तरफ से ये कथा करवाई जा रही है, जिसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ, और हम लोगों के पास सुरक्षा का जिम्मा है, जिसके अंदर केसरिया भगवा रंग के टी शर्ट में सुरक्षा यूनिट के नाम से उनके उस पर बैचिंग होगी, और सीताराम मंडल है जो इसके अंदर सुरक्षा व्यवस्था देखेगा, और पुलिस प्रशासन का हम लोग पूरा सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल, करीब 250 से 300 हमारे कार्यकर्ता हैं जो इसमें व्यक्तिगत रूप से लगेंगे।
जी जी मुख्यतः हमने जो भक्तजन इस कथा को श्रवण करने आ रहे हैं उनकी सुविधा पर ज्यादा जोर दिया है, ताकि आम जन की सुविधा हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह से एक्सेस करेंगे भीलवाड़ा में, फिर वो अपनी गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे, इसका पूरा सिस्टम डिजाइन किया है और वो आप सब लोगों को व्हाट्सएप रिटर्न में करेंगे और रिटर्न में भी कॉपी भेजेंगे, ताकि आप उसको पब्लिसाइज करें तो लोगों को बहुत सुविधा रहेगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो हमने बहुत सिस्टमेटिक डिजाइन किया ताकि उनको असुविधा नहीं हो किसी लाख से डेढ़ लाख भीड़ आने की जी। बिल्कुल उसी हिसाब से हमने जितनी जगह यहाँ दिख रही है उससे करीब करीब 100 से 200 बीघा पर तो हमने पार्किंग का अरेंजमेंट किया है, और संयोग से ये जगह सिटी का आउटर पार्ट है तो इसमें अंदर कोई सिटी का ट्रैफिक नहीं है और न कोई हाईवे का ट्रैफिक है, और हमारे साथ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, बहुत जागरूक है। उनके साथ हमने कई मीटिंगें करके डिजाइन किया इसको, रोज पुलिस प्रशासन वाले हमारे साथ मीटिंग करते हैं, तो उनके निरीक्षण में उनके संरक्षण में हम लोग पूरा डिजाइन करके प्लान कर लिया है। महाराज जी की वाई श्रेणी की सुरक्षा है और हमने भी